दोस्तों, क्या एक ही ऑफेंस में दो अलग अलग एक्ट्स एप्लीकेबल हो सकते हैं? इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के व्यूज भी मैं आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी 24 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, एक प्रिंसिपल है कि किसी ऑफेंस के लिए अगर कोई स्पेशल लॉ बनाया गया है तो उस ऑफेंस में वो स्पेशल लॉ ही एप्लीकेबल होगा और वो ही प्रिवेल करेगा। जनरल लॉ वहां पर प्रिवेल नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है और उसके लिए अगर स्पेशल लॉ बनाया गया है तो फिर उसमें केवल स्पेशल लॉ ही एप्लीकेबल होगा और जनरल लॉ के कोई भी सेक्शंस या फिर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स के पुलिस ऑफिसर्स को ये डायरेक्शंस दिए कि जब भी कोई रोड ट्रैफिक ऑफेंस कमिट होगा तो उसमें पुलिस ऑफिसर जो भी रिपोर्ट बनाएंगे उसमें केवल मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शंस और प्रोविजन ही लिखेंगे। वहां पर इंडियन पिनल कोड के कोई भी सेक्शन नहीं मेंशन किया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई रोड ट्रैफिक ऑफेंस होता है तो वो केवल मोटर व्हीकल एक्ट से ही गवर्न होगा और मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन ही वहां पर एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट स्पेशल इसी के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर इंडियन पिनल कोड जो कि जनरल लॉ है उसके कोई सेक्शंस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। जिसके बाद में त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट पिटीशन फाइल की और उसमें कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं कि जब भी कोई रोड ट्रैफिक ऑफेंस होगा तो उसमें केवल मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन एप्लीकेबल होंगे, उसमें इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो इस डायरेक्शन को रद्द किया जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पर्सन लापरवाही से मींस नेग्लिजेंटली अगर कोई गाड़ी ड्राइव करता है और उससे अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो ऐसे में सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पिनल कोड भी एप्लीकेबल होता है। क्योंकि सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पिनल कोड ये कहता है कि अगर कोई पर्सन नेग्लिजेंटली अगर कोई काम करता है और उससे अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसमें सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पिनल कोड भी एप्लीकेबल होगा। तो इसी तरीके से कोई भी ऑफेंस हो, फिर चाहे उस ऑफेंस के लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया हो, फिर भी वो अगर इंडियन पिनल कोड में भी उसका सेक्शन एप्लीकेबल होता है तो वहां पर इंडियन पिनल कोड भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर इंडियन पिनल कोड को अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ही अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा स्टेट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस डायरेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं कि अगर कोई रोड ट्रैफिक ऑफेंस अगर होता है तो उसमें केवल मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजन ही एप्लीकेबल होंगे तो डायरेक्शन लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि इंडियन पिनल कोड में भी मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वहां पर इंडियन पिनल कोड भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी ऑफेंसेस हैं उनके लिए जो पनिशमेंट है वो बहुत ही कम है। कुछ ऑफेंसेस तो ऐसे हैं जहां पर केवल फाइन लगाकर ही छोड़ा जा सकता है मोटर व्हीकल एक्ट में। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी कोई ऑफेंस होगा उसमें इंडियन पिनल कोड के अगर सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं तो वो भी होंगे, क्योंकि इंडियन पिनल कोड में यहाँ पर पनिशमेंट ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों, अगर यहाँ पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के डायरेक्शन को अगर मान लिया जाए तो ऐसे में जो भी कोई पर्सन कोई ऑफेंस करेगा तो वो केवल फाइन देकर ही अपने ऑफेंस से अलग हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इंडियन पिनल कोड में यहाँ पर केवल फाइन देने का प्रोविजन नहीं है, उस पर्सन को जेल भी हो सकती है। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में तो मैक्सिमम पनिशमेंट ऐसे हैं जहां पर केवल पर्सन अपना फाइन देकर के ही ऑफेंस से पीछे हट सकता है। इसीलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर इस प्रकार के डायरेक्शन को एप्लीकेबल कर दिया जाए तो ऐसे में लोगों को ऑफेंस कमिट करने में डर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में तो ऑफेंसेस में पनिशमेंट बहुत ही कम है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि जो प्रिंसिपल है कि अगर कहीं पर भी किसी ऑफेंस के लिए स्पेशल लॉ अगर बनाया गया है तो ऐसे में वो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, जनरल लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, तो ये प्रिंसिपल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक्सीडेंट केसेस में किसी पर्सन की डेथ होती है, हर्ट होता है, ग्रीवियस हर्ट अगर होता है तो इन ऑफेंसेस के लिए इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस ही एप्लीकेबल होंगे।
इन ऑफेंसेस के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया है। इसीलिए ही अगर इस प्रकार का कोई डायरेक्शन दिया जाता है कि रोड ट्रैफिक ऑफेंसेस के लिए केवल मोटर व्हीकल एक्ट ही एप्लीकेबल होगा तो ऐसा डायरेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो सकता है और इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस मोटर व्हीकल एक्ट के साथ में एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कहीं पर भी अगर कोई रोड ट्रैफिक ऑफेंस अगर होता है तो वहां पर मोटर व्हीकल एक्ट और इंडियन पिनल कोड दोनों ही एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता हूँ।